तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। बोलिए भाई हम क्या देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्ट। ठीक है, चल तो जो पहला इसमें लिखिएगा टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला जो हम इफेक्ट पढ़ेंगे फिलहाल क्या चीज पढ़ेंगे इसमें भैया, एसिडिक क्या डिटरमाइन करेंगे? टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, बैग आप यहां रख लो, बैग दे दीजिए आप। ठीक है भाई, इसी पर अच्छा एप्लीकेशन ठीक है, हमें क्या डिटरमाइन करना है भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए अब थोड़ी सी अगर एसिड की बात करें तो आरहीनियस नाम सुने साइंटिस्ट का, आरहीनियस इक्वेशन या आरहीनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, और एक आपका लेविस एसिड, और एक होता सॉरी एसिड बेस पेयर। मैं पहले एक सेकंड आपको तीनों को संदेश थोड़ा बोल देता हूँ। एसिड बेस अगर हम कंजुगेशन बात करें आरहीनियस का, किसका भाई? इन्होंने कहा एसिड वो होगा जो एच प्लस आयन डोनेट करेगा इन एक्वस मीडियम। एच प्लस आयन क्या करेगा? डोनेट करेगा एक्वस मीडियम में। और जो बेस होगा वो ओ एच माइनस डोनेट करेगा एक्वस मीडियम में। एक बार याद रखिएगा कि जो एसिड है वो एच प्लस डोनेट कर सकता है, डोनेट किया ना तो उस एच प्लस को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? बेस। यानी ये भी कह सकते हैं कि जो बेस होगा, देखिए एसिड डोनेट कर रहा है, एच प्लस आयन क्या कर रहा है दोस्त? डोनेट कर डोनेट कर रहा रहा है ना। तो अगर बेस के टर्म बोलिएगा तो बेस होगा वो एच प्लस आयन को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा। करेगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? यस सर, बेस का ये भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि सर वो बेस होगा एच प्लस आयन एक्सेप्ट एक्सेप्टेड करेगा, करेगा, जो बेस होगा वो एच डोनेट डोनेट करेगा करेगा, तो जो एसिड होगा वो एच वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा। क्या ये बात थोड़ा क्लियर समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा, यस सर, जबकि बचपन से हम यही रट के आते हैं कि एसिड जो होगा वो डोनेट डोनेट करेगा, अब करेगा, बेस होगा वो एक्सेप्ट ओ एच करेगा, डोनेट ओएस करेगा, डोनेट करेगा। है कि नहीं भैया? लेकिन आपने कहा कि सर अगर एच प्लस डोनेट करेगा तो कोई एक्सेप्ट करने वाला चाहिए, तो जो एक्सेप्ट करेगा एच प्लस को वो वो बेस बेस। होगा, बेस ने ओ एच डोनेट कर दिया ना, लेकिन उस ओ एच को जो एक्सेप्ट करेगा वो वो बेस एसिड। एसिड होगा। ये बात क्लियर समझ गए पहले आरहीनियस का मैटर? यस सर, हाँ, ये कंडीशन था एक्वस मीडियम में। किसमें? एक्वस दूसरा आपका लोरी, सॉरी ब्रॉन्स्टेंट, ब्रॉन्स्टेन लॉरी, ब्रॉन्स्टेंट एंड लॉरी। प्रोटॉन। ठीक है, इन्होंने कहा प्रोटॉन टर्म दिया, इन्होंने क्या कहा कि जो एसिड होगा एसिड वो वो प्रोटॉन प्रोटॉन डोनेट डोनेट करेगा। करेगा, एसिड क्या करेगा भाई? प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट जो करेगा। बेस होगा बता भाई, बेस सर वो बोलो, क्या एच कहते प्लस हैं, एच आयन प्लस आयन एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा। करेगा, बस जो एसिड होगा वो एच प्लस एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करेगा एसिड, एसिड एक्स प्लस और एक्स बेस डोनेट करेगा और एच बेस प्लस एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा करेगा। इसी एच प्लस आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। इसी एच प्लस आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, ये आपको मिलेगा जब क्लोरीन में आओगे तब। क्योंकि इसे प्लस चार्ज ठीक लेंगे। है, यहां पे देखो दोनों डिफरेंस क्या है। ये वहां अप्लीवेबल होगा जहां की वाटर होगा एक्वस मीडियम होगा। इसमें वाटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नहीं है, इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। नहीं है, मतलब इस रिएक्शंस में। अब जैसे आपने लिया HCl प्लस H2O, ठीक है ना भाई? यस सर, ये देखो बनेगा क्या, HCl H3O प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस Cl Cl माइनस, माइनस इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम। या फिर आप दूसरा ले लीजिए, अमोनिया प्लस H2O, क्या बनेगा भाई? अमोनियम आयन प्लस OH ओएस नेगेटिव। नेगेटिव अगर इससे देखो तो इसने H प्लस आयन क्या किया? डोनेट यहां देखो, इसमें इसमें देख लो, ये H प्लस आयन डोनेट कर दिया, डोनेट। तभी यस तो सर, यहां पे H नहीं है यस भाई। ये सर, वाटर में से एच प्लस निकला तभी नहीं ओएच नेगेटिव बचा भैया। बोलिए, यस तो सर, अगर ये डोनेट किया तो इसका क्या नाम दे देंगे? इसे ब्रॉन्स्टेड बेस कर देंगे, ब्रॉन्स्टेड ब्रॉन्स्टेड बेस लॉरी। बोल देंगे। अगर ध्यान से इसको देखो तो इसने एच प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है क्या? नहीं, देख लो भाई, एक्सेप्ट किया है सिर्फ। अमोनिया एक्सेप्ट किया है ना। यस सर, एक सेकेंड, जो एक्सेप्ट करेगा बेस क्या करेगा? एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। करेगा। तो ये देखिए एक्सेप्ट किया ना यहाँ पर, तो यस सर, इसको बेस बोलेंगे। इस क्या क्या बोलो भैया? बेस और इसे इसे सेड। इसने डोनेट किया ना, यस तो सर, इसको, ओके। यहां थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहां वाटर किसके तरह बिहेव कर रहा है? यस सर, एसिड एक की तरह। एसिड की तरह, थोड़ा ऊपर आइए, इसमें और इसमें बताओ कि ये क्या डोनेट किया एच सी इसने?
सर सीएल को एच प्लस डोनेट कर एच दिया प्लस ना, डोनेट किया यानी ये आपका एसिड हो गया। देखो भाई, और ये वाटर देखो एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट ये बेस। देखो बेस हो गया। बोलो भाई, यस सर नहीं समझ पा। समझे, यही देखिए, वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। बेस की तरह। तीसरा आपका था लेविस कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या भाई, लेविस कॉन्सेप्ट, इन्होंने कहा अगर किसी पर भी पॉजिटिव चार्ज हो, क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। जिसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, यस क्या सर, बोलते हैं, कार्बो कटायन, कार्बोकैटायन यानी कार्बन पॉजिटिव कार्बन आता है, या पॉजिटिव। कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट का डायरेक्ट याद रहे दिमाग में, जिसके पास डी ऑर्बिटल होना डी ऑर्बिटल, चाहिए, डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्या एक्सेप्ट करेगा? लोन पेयर, अब बेस वो होगा जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, निगेटिव या चार्ज, फिर लोन पेयर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लोन पेयर, हाँ, ऑक्टेट लेकिन कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट, फुल होना चाहिए, तभी कंप्लीट। जाकर इसको क्या बोलेंगे। अभी जरा आ जाइए, तो हमको क्या डिटरमाइन करना भाई, एसिडी की स्ट्रेंथ ना। यस सर, बोलो भाई, एसिड अच्छा वो होगा जो जितना आसानी से एच आसानी प्लस से आयन एच दे दे। प्लस भाई निकाल दे। एक बार देखो, अगर हम सिर्फ एसिड की बात करें तो सर एसिड का मतलब हो गया कि जो एच प्लस एच आयन प्लस डोनेट आयन कर दे, डोनेट करे, बात समझ रहे हैं। लेकिन हमने उसमें स्ट्रेंथ लगा दिया ना, यानी ताकत, एसिडिक किसके स्ट्रेंथ। लिए बात उसमें जोड़ दिया। देखिए सिर्फ ये एसिड ही लिखा, एसिड का मतलब समझिएगा, जैसे आप जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग भी पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि उसमें जो जितना नंबर अटेंड गेन करता कर रहा है है। उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, उसको ताकत बोलते हैं, कि आप कितनी ताकत है, यस सर, बात समझ रहे हैं। तो अगर हमें चार एसिड दे दे तो उसमें कौन आसानी से एच प्लस आयन दे देगा, उसका वो एसिडिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा ज्यादा होगा। होगा। जैसे आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे, सिलेक्शन का कंडीशन उतना अच्छा होगा, अच्छा होगा। बात समझ रहे दोस्त। लिख लो पहले डिफिनेशंस, टेंडेंसी टू डोनेट द, टेंडेंसी टू डोनेट द एच प्लस आयन इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज, मतलब जहां तक पॉसिबिलिटी है दोस्त, एच प्लस आयन डोनेट करने का मैटर नहीं है, जहां तक मतलब पॉसिबिलिटी जितने आसानी से आप डोनेट कर सकते हैं उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा। एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ, टेंडेंसी लिखा ना भैया आपने, बात समझ रहे हैं। सिर्फ इतना करके डोनेट द एच प्लस एन इक्वल्स पेज, ये एसिड हो गया, लेकिन टेंडेंसी यानी आदत की बात कर रहा है। अब जो जितने जितना अच्छा एसिड होगा उतना जल्दी दे देगा ना देगा भाई, जो जितना अच्छा पढ़ने वाला होगा उसकी टेंडेंसी होगी ना कि उतना अच्छा नंबर लेकर के आएगा। उतना अच्छा नंबर गेन कर बोले सकते, भाई नहीं समझ। अब समझ। जितना अच्छा का कोई वक्ता होगा उतना अच्छा वो बोलेगा ना, उसी को हम टेंडेंसी बोलते हैं। चले आगे थोड़ा, अब दोस्त देखो, हम फिलहाल इसको यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले किसमें पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक लिखिएगा मत, थोड़ा हमको समझाओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा डायग्राम बना सकते हैं क्या। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया, हमको क्या चाहिए, एसिडी क्या क्या पता करना है, जो जो एच प्लस निकाल, तो बस सी एच प्लस आयन को गोला मार ले। यस सर, बोलो भाई। अब हम ये थोड़ा सीखेंगे कि इससे जो ग्रुप अटैच्ड है इसका क्या बिहेवियर होगा, या इस ग्रुप का क्या नेचर होगा, नेचर। कि एसिडिक स्ट्रेंथ से ये जो बॉन्ड है OH वाला बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड बहुत ही वीक होगा तब एच प्लस आयन जल्दी मिलेगा, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा तब एच प्लस आयन मिलेगा। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड वीक होगा तो एच प्लस आयन मिलेगा, ये बात क्लियर है ना भाई। मान लो अगर यहाँ एक दीवार है तब आसानी से आप इसको ब्रेकआउट कर लोगे, या आधी दीवार हो मतलब दीवार अच्छी ना हो तब ब्रेकआउट कर लोगे, या 10-12 दीवार एकदम लगा दें तब ब्रेकआउट कर लोगे। जो आधी दीवार होगी उससे, आधी दीवार से आधी ब्रेकआउट, दीवार से ना, यानी अगर हम यहाँ कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो डेंसिटी को उधर खींचने लगे, तभी तो ये बॉन्ड कमजोर होगा। नहीं समझे भाई, वो इस इलेक्ट्रॉन को उधर खींचने लगे और तभी तो ये बॉन्ड कमजोर होगा, नहीं तो अगर उधर से लगा तो डोनेटिंग ग्रुप तो क्या हो जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ना। नहीं समझे यार, नहीं समझे, हमको समझाओ थोड़ा। मैंने दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, कौन कौन, एक प्लस आई इफेक्ट और एक प्लस आई और एक माइनस आई, माइनस आई। क्या ये आप भी पढ़े हो? यस सर। प्लस आई भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या, डोनेटिंग, और माइनस को क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या इतना आप भी जानते हो क्या, भी जानते हैं, जानते हैं इतना आप भी जानते हो ना, एकदम सोच सोच के बोलना। यस सर। डोनेटिंग क्या करेगा बताओ, ये जो ग्रुप डोनेटिंग है ये डेंसिटी इधर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, डोनेट करेगा ना। यस सर। ये तो डोनेट करेगा नहीं करेगा, अगर वो डोनेटिंग है तो इससे
इससे कोई मतलब? नहीं इसका जो कार्य है भाई डोनेट करना, वही कार्य डोनेट करेगा? नहीं, नहीं साहब जी, यस सर, इसका काम क्या है? पुल करना पुल करेगा ये पुल करेगा ना? बोलो भाई, यस अब सर, ये कहेगा तुम्हारा चाहे फायदा हो चाहे, क्या नहीं गंगा जी में जब बाढ़ आता है तो किसानों से पूछती है क्या कि सर, बस बताओ इतनी बारिश हो कि और बारिश करा दे? नहीं वो सर, पूछती वो है तो कभी? अपना भाई काम करते उनका तो हैं, सीक्वेंस बना है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप है ना दोस्त, इनका एक ही काम इलेक्ट्रॉन इधर, बताओ फुल कर डोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ जाएगा, बताओ, सोच के यस सर, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, हमें बताओ, अगर जब डोनेट कर देंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? स्ट्रांगर हो जाएगा, अगर स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगर होगा तो बताओ वीक आसानी से ब्रेकअप होगा? नहीं बोलो भाई, नहीं अगर स्ट्रांगर होगा तो आसानी से प्लस आयन देगा तो नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ? घट जाएगा, बोलो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा घट फिर? जाएगा, नहीं समझे? समझ अगर भी ड्राइंग ग्रुप लगा दो कैसा, तो ड्राइंग देखो ये जो ग्रुप अटैच होगी इधर कहाँ खींचने लगेगा, पुश करना शुरू अपने कर, तरफ पुल करने लगेगा। पुश करना शुरू कर दे, पुल का मतलब खींचना, खींचना पुल का मतलब ढकेलना, ढकेल, पुल करेगा तो इधर करेगा ना, यस अब सर, पुश करेगा तो अपने तरफ खींचेगा ना। यस सर, विड्राइंग का मतलब होता है जो ड्रावर नहीं खींचा जाता है, ड्रावर, अरे जिसे लगा इसे खींचते लोग ऐसे, यस तो सर, ये उधर खींचने लगेगा ना, माइनस का मतलब हुआ। और जब ये उधर खींचने लगेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड लूजली हो जाएगा, लूजली मतलब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब आरिने साहब ने क्या कहा था भाई, जिससे एच प्लस इलेक्ट्रॉन, जिससे एच प्लस आसानी से निकाला जा तो बताओ सके फिर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बताओ भाई, बढ़ जाएगा, ये नहीं समझ पा रहे कैसे? समझ गया, बोलो भाई, एसिड के इलेक्ट्रॉन यूज करते के ए, के तो के ए वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज और करेंगे, यहाँ पे के ए वैल्यू, इंक्रीज करेंगे, पी ये किसका उल्टा होता है, पी के, के वैल्यू, ये इक्विलिब्रियम में मिलेगा, यस सर, तो अगर के ए घटेगा तो पी के बढ़ेगा, बढ़ेगा, जैसे पी के जो होता है ना यार उल्टा होता है, जैसे जैसे वन अपॉन के इसका ए होता है, ऐसे समझ रहे, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हैं आप? तो अगर के ए घटेगा तो पी के, बढ़ेगा, यहाँ अगर के ए बढ़ेगा तो पी के, घटेगा, क्या इतना बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर, नहीं समझ पा रहे, समझ, नहीं समझे आप? क्या इतना छाप लीजिएगा कॉपी में? यस, अब यहाँ देखिए कॉपी में कैसे बनाएंगे दोस्त, ये ऐसे एच बना देंगे इस बॉन्ड को ऐसे, और यहाँ लिख देंगे एच प्लस आयन, यहाँ क्या बना देंगे, एच प्लस। हमें बताइए फील कर पा रहे हो आप यस कि सर कौन सा डोनेटिंग ग्रुप, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो इस बॉन्ड को क्या कर देगा? डोनेटिंग ग्रुप इस बॉन्ड को कमजोर कर देगा सर, ध्यान से उधर देखो, डोनेटिंग ग्रुप कौन है? डोनेटिंग एच प्लस आयन है सर, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर पहले बनाएगा, डोनेटिंग ग्रुप कौन है इसमें, आई प्लस आई, प्लस आई, डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब अपनी तरफ पुल करेगा पुल का मतलब सर, ढकेलना, ढकेलना, अपुस का मतलब खींचना, उल्टा बोल रहे हो, नहीं सर, खींचना, उल्टा बोल रहे हो, पुल का मतलब खींचना होता है, अपुस का मतलब ढकेलना, हाँ, पुश, पुशिंग मतलब ढकेलना होता है, ढकेलना होता है दोस्त। जब दरवाजा वरवाजा कभी देखिएगा ना शोरूम में लिखा रहता है पुश, ठीक, यस, तो यहाँ देखिए डोनेटिंग का मतलब आप ये सुने, वो पुल पुश में कंफ्यूज हो जाएंगे ना, डोनेटिंग मतलब डोनेट कर देगा, डोनेट आप सुने ना भाई हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट होता है, तो डोनेट का मतलब किसी को दिया जाता है ना, नहीं समझे? दिया जाता है, तो यहाँ देखो कभी भी देखिएगा ब्लड ग्रुप हमेशा डोनेट टर्म पढ़ा जाता है, कौन किसको डोनेट करेगा, नहीं समझे? यहाँ देखो डोनेटिंग का मतलब एच प्लस है, दे देना, दे देना, ये जो ग्रुप अटैच होगा वो क्या करेगा, दे देना, डोनेट करेगा, डोनेट करेगा, ये बताओ ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हो एच प्लस जाएगा, आयन जल्दी से मिलेगा, नहीं, और अगर विड्राइंग ग्रुप लगा दिए तो विड्राइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन मतलब खींच लेगा अपने तरफ, विड्राइंग कर लेगा, यस सर, अच्छा विड्राइंग कर लेगा तो यहाँ ये बॉन्ड लूजली हो जाएगा, लूजली हो जाएगा एच प्लस आयन आसानी से निकल, अगर तो एसिड अच्छा हो जाएगा, यस और एसिड अगर अच्छा है तो के वैल्यू बढ़ के वैल्यू जाएगा, ज्यादा पी के वैल्यू डिक्रीज कर देगा, इतना लिखो कॉपी में, रुक जा भी मत लिखो, हमें पहले अपने मन से बताओ प्लस आई में कौन कौन आते हैं, पहले प्लस आई क्या सर, ग्रुप प्लस आई सीरीज में कौन आते हैं, कौन लिखे हो आप कॉपी में, प्लस आई सीरीज बोला था ना रिवीजन करने के लिए, सीरीज, हाँ सीरीज, सबसे अधिक प्लस आई कौन लगाएगा, CH2 माइनस, उसके बाद ये समझ रहे हो आप, यस सर, फिर उसके बाद CO साइनाइड, फिर ऑक्सीजन, फिर रुक जाओ, साइनाइड नहीं था, साइनाइड नहीं था, सी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद नहीं यार, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, फिर मिथाइल, मिथाइल, TDH, टाइटेरियम H का लगभग 0 होता है, ये सीरीज था प्लस आई का, यस सर, किसका है, प्लस आई का, और आप जो बता रहे हो, नहीं सर, अब बस खाली एक को गड़बड़ था ना, कार्बोक्सिलिक माइनस रहे हो, हाँ तो ये कार्बोक्सिलेट बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, और इसका पहले देखो NH3 पॉजिटिव, R3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, पहले ये समझ गए कि सर
माइनस वाला वो लगा के जिससे पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज होगा और ये समझ गए कि नहीं। नेगेटिव वाला उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सबसे अधिक कौन लगाएगा? नाइट्रो, देन सीएन, देन एल्डिहाइड, उसके बाद ब्रोमीन, कीटोन, कीटो। ठीक है, हम वो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक साथ खींच दे रहा हूँ। कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर हाइलोजन, हाइलोजन समझ गए? हाँ। कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो भाई। यस सर। उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, सल्फाइड, OHNH, मतलब वो एल्कोहल और अमोनिया। उसके बाद फिर आएगा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर लास्ट में आएगा बेंजीन। सल्फर का रिप्रेजेंटेशन ही बनाए, छोड़ दीजिए, बस इतना भी समझ पा रहे हैं, पहले इस तरह लगा देंगे तो भी ड्राइंग ग्रुप होगा, उस तरह लगा देंगे तो डोनेटिंग, बस ये पहचाना कि सर अगर इस तरह का जो भी होगा ये भी ड्राइंग ग्रुप होगा और उस तरह का ऊपर वाला जो भी होगा वो, अरे विड्राइंग तो हम ये कह सकते, थोड़ा समझो यार, कि अगर हमको एसिड चाहिए, क्या चाहिए? एसिड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा माइनस वाला? यस सर। बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। और अगर प्लस वाला लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा? घटा देगा। इतना समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे? समझ। अगर माइनस वाई वाला लगा दोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ जाएगा, बढ़ा देगा, क्योंकि वो खींचने लगेगा ना, वजह से ही जाएगा वैसे ही। डोनेटिंग वाला घटा देगा। बोलो भाई, इतना समझ पा रहे पहले? नहीं समझ पा रहे? सवाल लिखे फिर सर, इसे लिख लीजिए। कौन सा? हाँ ये लिख लो, तब तक हम सवाल सेटअप कर रहे हैं। यहाँ दो ही बात सीखोगे भैया, कि अगर विड्राइंग ग्रुप लगा देंगे, क्या लगा देंगे? विड्राइंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा, घटा देगा। क्या ये दो बात सीख जाओगे? कन्फर्म? यस सर। कसम गंगा मैया का? यस सर। अरे सर मिटा दिए। लिख लो, टेंडेंसी टू डोनेट एच प्लस एंड इन एक्वस मीडियम एज सून एज पॉसिबल, टेंडेंसी टू डोनेट द एच प्लस आयन एक्वस मीडियम एज सून एज पॉसिबल, वही लिखवा होगी, एज सून एज, मतलब जहां तक पॉसिबिलिटी हो उतना जल्दी डोनेट कर देगा। बोलो भाई, कर देगा ना? चलो अपना सवाल अब सुनो, मैं यहां बस इतना लिखना चाहता हूं, इधर देखो, कि अगर कोई माइनस आई वाला है, कौन सा माइनस आई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, और अगर कोई प्लस आई वाला है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। बोलो। यस। एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। कॉपी में एकदम एकदम ऐसे ही लिखना। अब देखो तुम कैसे लिखोगे, देखो तुम कैसे लिखोगे, कि जो भी एसिडिटी पता करना हो, क्या पता करना होगा? एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, एकदम दिमाग में सेटअप करके छापो, मिलाना है तो मिला लो। एसिडी कौन बढ़ाएगा? दर देख लो, माइनस आई वाला ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? yes, तो कौन घटा देगा? प्लस वाला, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं? नहीं समझे भाई, ये पहले छापो, ये ना छापो चलेगा, ये ना छापो चलेगा, बट ये छाप लो। नहीं समझे दोस्त, लिख लिया तो बस तुम, अच्छा लिख लो तब। हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा, चलेगा ना? बता देना भाई, कोई दिक्कत है तो भी छाप दूंगा। ये पहला सवाल है, पहले आप सुपर का कॉन्सेप्ट छाप लो। आप ये पहला सवाल लिखोगे, उसके बाद ही पहले सॉल्व कर लेंगे, तब हम आगे चलेंगे, ठीक है?
पहला सवाल सॉल्व कर लेंगे तभी अगला नोट करना है, ठीक है भाई? यस सर। पहले हम अपना सेटअप बनाएंगे, दिमाग का सेटअप। बन गया पहला? पहला बनाओ, पहले आंसर निकालो। बैठे क्यों भाई? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में माइनस या प्लस में कुछ भी नहीं है? कहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। कहीं माइनस प्लस होगा? नहीं। ठीक, देख रहा है ना भाई ये सर? यस सर। ठीक ठीक ठीक, चैप्टर चैप्टर। नहीं 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 नहीं, आपने गलत कर दिया, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। सर पहले वाले में क्या कहते हैं, आई इफेक्ट स्टडी को की के इंक्रीज करेगा, यहाँ पे मोर बिल्ड, मतलब जो ग्रुप लगा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो भैया आ जाओ, देखो इसमें पहले जब भी बताएंगे तो हम दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये और ये। और उसी से कंपैरिजन करेंगे, बात समझ रहे हैं? हम डायरेक्ट इसको कुछ भी नहीं बता सकते, एसिड है कि क्या, कुछ भी नहीं बता सकते। पहले कितने सेलेक्ट करना पड़ेगा? दो, जैसे वन और टू, ये बात समझ रहे हैं? जब दो हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, अब इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है। पहले डिफरेंस बताओ हमें दोनों में, क्या डिफरेंस है पहले? एक्स्ट्रा क्या है इसमें? देखो एक्स्ट्रा कार्बन, देखो सिमिलरिटी क्या है, ये जितना बड़ा चेन ये है उतना बड़ा चेन ये भी है, ये सिमिलरिटी समझ गए? इसमें एक्स्ट्रा ये ग्रुप अटैच्ड है, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है ये ग्रुप? सर ये सर अब ऊपर देख लो, प्लस आई की माइनस आई, प्लस आई देख लो एक बार, ये देखो वन कार्बन है, अब मिथाइल, ये क्या लगाएगा? प्लस आई, बताओ दोस्त, प्लस आई। अब प्लस आई एसिडिटी में कैसा रिलेशन है? यानी अगर प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी घटेगा, ये समझ गए? इसमें कितने प्लस आई वाले हैं? दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा तो यहाँ देखो प्लस आई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या ये समझ रहे हो? प्लस आई, पहले प्लस आई, दो दो ग्रुप अटैच है ना दोनों साइड से, बोलो भाई। अब देखो जैसे ये इधर से डोनेट करेगा, इस बॉन्ड को मजबूत करेगा, इसमें दोनों साइड से डोनेट करके मजबूत करेंगे, बोलो भाई। इसमें बताओ, इसमें सर सिंगल होगा, कोई प्लस आई है नहीं, उसके कंजन कोई प्लस आई है नहीं, यानी यहाँ कोई बढ़ाने वाला है नहीं, बोलो। ये आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट शो कर, कोई ग्रुप है नहीं, तो ना इसमें प्लस आई है ना माइनस आई, ना प्लस आई है ना माइनस, माइनस आई। इसमें क्या है ये? इसमें सर प्लस आई, प्लस आई है इसमें, इसमें कंपेरिजन करो, इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप है इसमें नहीं, इसमें इसमें तो ये एसिडिटी को बढ़ा देगा, कॉपी देखो घटा देगा, घटा देगा। इसमें दो लोग हैं तो, इसमें दो लोग हैं तो एसिडिटी को दोनों तरफ से देंगे तो बढ़ जाएगा थोड़ा, ऊपर देखो थोड़ा बढ़ेगा, ऊपर देखो यूनिवर्सली, अगर ज्यादा प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी घट जाएगी, घट जाएगी ना, नहीं समझे? यस सर। यहाँ से चलो फिर, यहाँ बताओ एसिडिटी, यहाँ पे एसिडिटी घटेगी, यहाँ बताओ बढ़ेगी? बढ़ेगी सर, मतलब एसिडिटी घटेगी, यहाँ पे आई प्लस बढ़ेगा। वो छोड़ दो पहले, एक चीज यहाँ और यहाँ में एसिडिटी बताओ, इधर एसिडिटी क्या होगा? बढ़ेगा एसिडिटी, एसिडिटी इधर बढ़ेगा सर, ऊपर देखो। अरे सर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा ना, प्लस आई एसिडिटी घटेगा, और आप क्या बता रहे हो? अरे सर हम उल्टा बोल, कोई बात नहीं, अभी एकदम दिमाग ये सेटअप करो, अभी अभी क्या करो, तभी दो तीन मिनट बाद तुम्हारे दिमाग जाके सेट होगा, अभी तभी क्या होगा, अभी दो चीज चल रहा है, एक इंडक्टिव एक एसिडिटी, इसलिए सेटअप आपका बिगड़ जा रहा है। अब एक कोई सेटअप लेके चलो, पहले इंडक्टिव लेके चले कि एसिडिटी लेके चले? कोई नहीं, कोई आप बताओ, इंडक्टिव, इंडक्टिव लेके चलो। यहाँ कोई प्लस आई माइनस आई नहीं, इसमें क्या है भाई? प्लस आई, इसमें और ज्यादा प्लस आई है ना, यहाँ प्लस आई और ज्यादा है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? ये यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटा घटा देगा,
बोलो भाई, तो हमें ये बताओ कि अगर हम इधर आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इधर आने पे? इधर आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा सर। अच्छा इसमें इसमें बताओ, इधर मतलब इधर से इधर जाने पे नहीं, इसमें इसमें कौन अच्छा एसिड है? एसिड ये ज्यादा अच्छा है। कौन? ये सेकंड वाला कार्बन जो लगा। कैसे सर? क्योंकि इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, इसमें है तो एसिडिटी को, एसिडिटी को घटा देगा। तो ये अच्छा एसिड हुआ ना, घटाने का मतलब कम हो गया ना एसिडिटी। यस सर, घटाने का मतलब कम हो गया। यहाँ देखो दो दो अटैच है ना घटाने के लिए, और कम कर देंगे ना। बोलो भाई। यस सर, एसिडिटी तो कम हो गया ना भैया, बढ़ाए कहाँ? ये सब घटेगा नहीं सर, एसिडिटी घटेगी और एच प्लस आयन बढ़ेगा ना। एच प्लस आयन ही तो एसिडिटी है, जो जितना जल्दी एच प्लस आयन दे देगा उतना अच्छा एसिड होगा। चलो फिर बताते हैं, समझना रुक जाओ एकदम आराम से। इसलिए मैंने क्वेश्चन करके सेटअप छोड़ दिया था कि पहले सेटअप कर लेंगे तो ये पूरा सवाल आसानी से बन जाएगा। अब इसमें इसमें देखो पहले। अच्छा एक बात, इंडक्टिव फैट अगर प्लस आई है तो एसिडिटी माइनस आई होगा, उसका एसिडिटी घटेगा। घटेगा। इसमें कितने डोनेटिंग ग्रुप है? दो डोनेटिंग। इसमें कितना डोनेटिंग? एक डोनेटिंग ग्रुप। तो कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा? सर फर्स्ट वाले में। तो कहाँ एसिडिटी कम होगा? सर एसिडिटी सर उसमें फर्स्ट वाले में। अच्छा इसमें इसमें देखो कहाँ डोनेटिंग ग्रुप कम है? डोनेटिंग ग्रुप सर यहाँ। इसमें जब कम होगा डोनेटिंग तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसमें इसमें बताओ डोनेटिंग ग्रुप, इसमें इसमें डोनेटिंग ग्रुप सर बढ़े और कम है? कम है। कोई है इसमें डोनेटिंग ग्रुप? एसिडिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो इधर जाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी। और आप क्या कह रहे थे भाई? एसिडिटी घटेगी। जबकि इधर आने पे एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो हमारे इधर देखो। हाँ बोलो। जहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो रिएक्ट करने कार्बन से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से वहाँ पे कम हो उधर एसिडिटी बढ़ेगी। नहीं हम ये नहीं कह सकते, हम ये कहना चाहते हैं कि दो दो डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहे कि नहीं। बताओ अगर प्लस आई ग्रुप ज्यादा यहाँ पे इसके कंपेरिजन में ज्यादा है कि नहीं? प्लस आई जब बढ़ेगा तो एसिडिटी घट जाएगी। समझ गए कि नहीं? समझ गए एकदम सही। तो यहाँ देखो यहाँ ज्यादा प्लस आई है कि यहाँ सेकंड वाले में? सर ज्यादा प्लस आई तो फर्स्ट वाले में। तो सबसे अधिक पहले कहाँ घटेगी? सेकंड के कंपेरिजन में फर्स्ट में सबसे कम हो गई ना। अब सेकंड थर्ड में आ जाओ। सर सेकंड थर्ड में सेकंड वाले में ज्यादा एसिडिटी होगा क्योंकि प्लस आई बढ़ रहा है, इसमें एक भी नहीं ग्रुप है। तो ज्यादा थर्ड में होगा कि सेकंड में? सेकंड में होगा एसिडिटी। इंडक्टिव एकदम सही। और यहाँ पे प्लस आई? प्लस आई तो एकदम नहीं, एकदम नहीं। अच्छा यहाँ देखो प्लस आई बढ़ेगा एसिडिटी घटेगा। यहाँ देखो प्लस आई और बढ़ेगा, दोनों साइड से लगा है ना, एसिडिटी घटेगा और घट जाएगा। आप कुछ समझे भैया? एकदम आराम से देखो नेचुरल सीक्वेंस। सर यहाँ प्लस आई बहुत ज्यादा है ना, इसलिए एसिडिटी घट रहा है। यहाँ थोड़ा प्लस आई कम है, इससे ये ज्यादा एसिडिक। और यहाँ कोई प्लस आई नहीं, इसलिए सबसे एसिडिक। सबसे एसिडिक। अच्छा अगर एसिडिक की स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो के ए वैल्यू क्या होगा? के ए वैल्यू बढ़ेगा। इधर आने के ए वैल्यू क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो के ए वैल्यू भी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, सोच लो एक बार। पी के वैल्यू बताओ? पी के वैल्यू डिक्रीज करेगा। क्या यहाँ लिख लें ऐसे पी के वैल्यू? यस। इधर आने पर पी के वैल्यू डिक्रीज करेगा। क्या इतना समझ रहे हो? यस सर। छापो इतना। तो एक बात और हमको बताओ, रुक जाओ मेन चीज तो बता ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट का नाम सुने हो? इधर आने पे इंडक्टिव में प्लस आई ग्रुप क्या, और इधर आने पे प्लस आई ग्रुप? इधर से प्लस आई ग्रुप घटेगा। समझ गया कैसे? यहाँ दो दो ग्रुप लगे ना प्लस आई वाले, और यहाँ एक ग्रुप, यहाँ एक भी नहीं, एक भी नहीं है ना। इधर आने पे प्लस आई ग्रुप घटेगा। समझ रहे हो कैसे? अब बताओ कि अगर प्लस आई ग्रुप घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ? देख लो यहाँ पे दो दो ग्रुप अटैच है ना प्लस आई लगाने के लिए, और यहाँ सिर्फ एक ही अटैच है, और यहाँ एक भी नहीं। तो इंडक्टिव इफेक्ट इधर आने पे, इंडक्टिव इफेक्ट इधर आने पे घट रहा है। घट रहा है ना, वो भी इंडक्टिव में। कौन सा इंडक्टिव है? प्लस आई है ना। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। छाप सकते हो। कुछ समझे भैया? थोड़ा इसको घर जाके दो तीन बार भी और सेटअप करना है इसको दिमाग में। क्या करना? तब जाके आपके दिमाग में सेटअप बन जाएगा कि सर जितना प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। घटेगा।
एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, ठीक है। ये प्लस आई माइनस आई एकदम रट डालो इसको, प्लस आई और माइनस आई एकदम रट डालो एकदम, थोड़ा जैसे भी हो ऐसा बनाओ कि तीनों एक लाइन में बन जाए, तब जाकर सेटअप दिमाग में सेटअप होगा। तीनों से बनाना था, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काटिए मत, अपने थर्ड नीचे बना लीजिए। नहीं 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 पेज छोड़िए, बताओ पेज छोड़िए, आप वहीं पे बस फिर से बना लीजिए छोटा सा। नहीं समझे आप, इसमें रुक जाइए, इसमें रुक जाइए, काटिए मत, इसमें कौन अच्छा एसिड है इसमें, इसमें हाँ एसिडिटी तो ये है, तो पहले वही लिख लीजिए बी ग्रेटर देन ए। काट क्यों रहे हैं भाई, एक सवाल वो भी तो बन जाएगा। नहीं समझे भाई, हौसला को बढ़ाइए, वहां भी तो ये लिख सकते हैं, सिर्फ दो ही ऑप्शन में इतना टर्म, किधर आने पर एसिडिक, अरे सॉरी प्लस आई इफेक्ट घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, के ए वैल्यू बढ़ेगा, पी के वैल्यू घटेगा, लिख तो सकते हैं ना उतने में ही, क्यों काट रहे हैं उसको भैया। हाँ ऐसे कर लीजिए, बस बढ़ा दीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ, के ए वैल्यू बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इधर एरो मार दीजिए। थर्ड में क्या लिखे, कौन सा वैल्यू लिखे, के ए वैल्यू बढ़ेगा ना, ठीक है एकदम समझ गए ना, चार लाइन। अब अगले सेटअप में तीनों बना लीजिए, काटना भी नहीं पड़ेगा, पेज भी बच गया ना आपका, बस सी सी बना लीजिए फटाफट, एकदम सेटअप बन जाना चाहिए भाई, कि अगर प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा तो के ए वैल्यू घटेगी, अगर के ए वैल्यू घटेगी तो पी के वैल्यू बढ़ेगी। बन गया भाई, ये पहला वाला मिटा दें, और सवाल सब देखिए तो बोर्ड पे। अच्छा कल आपने कुछ ग्रुप में सेंड किया था, याद है आपको, बहुत अच्छा किया आपने, तो कुछ समझ आया था आपको कितना टाइम पढ़ना पड़ा उतने लिखने के लिए। चलिए इधर आ जाइए, ये सवाल में देखो ये कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन है, क्लोरीन, इसमें बताओ, इस वाले में क्लोरीन है, इसमें बताओ, इसमें क्लोरीन, ठीक, ये बी है ना, मैं बी बी इधर लिख दे रहा हूँ। अब हमें को बस ये बताओ कि जो क्लोरीन है वो क्या लगाएगा, प्लस आई की माइनस आई, माइनस आई, बता अगर माइनस आई लगाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सोच लो एक बार, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा माइनस आई भी बढ़ेगा, एकदम समझ गए दोनों चीज। अब बताओ ये माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा ना, इन दोनों में ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा सर, वो फर्स्ट वाला जाना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में उसका इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ और डिस्टेंस का मैटर होता है क्या, क्या क्या मैटर है, डिस्टेंस और डिपेंडेंट होता है। अच्छा अच्छा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं सर, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, एकदम से इतना समझ गए आप। तो देखो जब ये यहाँ ध्यान से देखो, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यस सर, बोलो भाई, तो यहाँ हम अगर बात करें डिस्टेंस का, बात करें डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस बढ़ाने पर घटेगा, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है ना यहाँ पे माइनस आई का, डिस्टेंस तो बढ़ रहा है इधर आने पे, डिस्टेंस बढ़ाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ, वो छोड़ दिए, चलिए डिस्टेंस छोड़िए, पहले ये बताइए ज्यादा माइनस आई कौन लगाएगा सर, फर्स्ट वाला ज्यादा, फर्स्ट वाला, क्योंकि आप डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका माइनस आई कम हो जाएगा और इसका माइनस आई और कम हो जाएगा ना, सबसे अच्छा एसिड कौन हुआ इसमें सर, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकंड, लिख लें इसे 1 2 3, बोलो भाई, सी में आ जाइए, सी में। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, मिथाइल, ये भी क्या है, मिथाइल, और ये मिथाइल, मिथाइल कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई, प्लस आई लगाएगा, तो जब प्लस आई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो प्लस आई, नहीं नहीं प्लस आई क्या करेगा, ये प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा। अब थोड़ा बताओ ये ज्यादा प्लस आई लगाएगा फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सर फर्स्ट वाला ज्यादा लगा देगा, क्योंकि नजदीक है ना, एकदम पूरा झोला भर देगा ना इसमें, जब ये प्लस सबसे अधिक लगा देगा तो इसका एसिडिक, इसका एसिडिक कम हो जाएगा, ये थोड़ा कम लगाएगा और ये और कम लगाएगा ना, बोलो भाई, इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड सेकंड एकदम से थ्री, ये समझ पा रहे भाई कैसे, सर ये डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये सबसे अधिक डोनेटिंग ग्रुप क्योंकि नजदीक है ना, बोलो भाई, जब नजदीक है डोनेटिंग तो एसिडिक बहुत घटा देगा,
ये थोड़ा कम घटाएगा, ये आपको और कम घटाएगा। और इसमें देखो ये नहीं है सर, ये तो दूसरा। अच्छा मिटा दे इसको, पहले दो सवाल समझ गए। सी डी में आ जाओ, किसमें बताओ, इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव अगर किसी, ये पॉजिटिव है कार्बन पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मतलब किस पर पॉजिटिव है? कार्बन। अब माइनस आई शुरू करेगा। एकदम सही दोस्त, ये बहुत अच्छा है। अगर पॉजिटिव सीधे सीधे देखो क्या आ गया, पॉजिटिव तो माइनस आई लगाएगा ना। अब बताओ ये ज्यादा माइनस आई लगाएगा कि ये वाला? सर क्योंकि माइनस आई पे डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है तो फर्स्ट वाला ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा लगा देगा। यदि अगर बहुत अधिक माइनस आई लगा देगा तो एसिडिटी की स्ट्रेंथ, एसिडिटी की स्ट्रेंथ घट जाएगा मतलब बहुत। उधर देख के बोलो, माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी की स्ट्रेंथ घटेगा? माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी की स्ट्रेंथ घटेगा सर। माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी नहीं, सॉरी माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। हाँ तो दोस्त यहाँ देखो, ये ज्यादा लगाएगा माइनस आई इसके कंपेरिजन में, और ये इससे भी ज्यादा मतलब इससे कम हो जाएगा, कम लगाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? फर्स्ट सेकंड थर्ड। सोच रहे हो, समझ रहे हो कैसे? यस सर। बस बोल दे रहे हो खाली? नहीं नहीं सर, वो हम प्लस आई प्लस मतलब समझ रहे कुछ सेटअप। यस चलो इसको बता दो, तो ये क्या लगाएगा? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव सर उस पे प्लस आई लगेगा ना, प्लस आई। ये भी क्या लगाएगा? प्लस आई। अब इन दोनों ज्यादा प्लस आई कौन लगाएगा? सर फर्स्ट वाला ज्यादा होगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाने को घटेगा। समझ गए? तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा फिर? फर्स्ट, अरे थर्ड सेकंड फोर्थ। बहुत अच्छा, थ्री टू वन फोर्थ नहीं, एफ एफ आएगा ना। एफ में बताओ पहले, इसमें इसमें बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ये होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फर्स्ट वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये डबल बॉन्ड है तो माइनस आई लगाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो उससे थोड़ा कम लगाएगा, माइनस ही आई लगाएगा लेकिन उससे थोड़ा कम। नहीं देखो सुनो सुनो, ये sp3 कार्बन, sp3 कार्बन होना चाहिए, ये sp2 कार्बन, ये sp कार्बन। सबसे अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp कार्बन सबसे ज्यादा मोर। ये सबसे अधिक माइनस आई लगाएगा ना इसके कंपेरिजन में, देखो इससे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। हाँ हाँ। बोलो भाई, ये सबसे अधिक माइनस आई लगाएगा ना, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? सेकंड टू और वन थर्ड, ये नहीं बोलोगे थर्ड? थर्ड। बोलो भाई, सबसे अधिक ये लगाएगा माइनस आई क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना। नहीं सर, और आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैंने उसी से पढ़ाया था आपको कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना समझ गया? यस सर। बोलो, नोट कर लो इतना। बोलने में गलती हो जा रहा है यार, वो घर से सेटअप कीजिए ना एकदम, उसको आप जा करके नहीं समझे आप। जैसे हमने देखिए आप कितना सटीक कहा था कि इसको एकदम रट डालिए पूरा, और जितना ये रटेगा उतना सेटअप बनेगा। अब जाके आज घर क्या सेटअप बनाएंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? माइनस आई के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? प्लस आई। प्लस आई के। अगर प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, अगर प्लस आई घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर माइनस आई घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा घटेगा, और माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ। ये प्लस वाला क्या लगाएगा? माइनस आई, माइनस आई, और इधर जाने पे माइनस आई घट रहा है, एसिडिटी बढ़ेगा घटेगा घटेगा। ये माइनस वाला क्या लगाएगा? प्लस आई, प्लस आई, तो इधर प्लस आई बढ़ेगा मतलब प्लस आई घटेगा घटेगा बढ़ेगा। समझ रहे हैं कुछ? सेटअप बन गया चापरे जितना आज, नोट कर लो भाई। ये सवाल कुछ और लिख दें, घर से कर लोगे? यस सर। बोलो इतना तो सेटअप है ना, ये तो आप सेटअप कर ही लोगे मतलब इसी टाइप का सर, रिलेटेड थोड़ा। हाँ इसी टाइप का रिलेटेड, ताकि घर जाके प्रैक्टिस हो जाए आपका। बिठा देना इसको, ये सेटअप से बना लेना, वीडियो देख करके नहीं बना पाओगे सर, वीडियो हमारे पास नहीं है। अरे ये वीडियो बना लोगे ना यूट्यूब पे, हम अभी अपलोड कर देंगे। यस सर। तो उस पर देख लीजिएगा सर, दो मिनट में तकलीफ लेते तो पहले बोलना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन शॉट भेज दूंगा आपको। ठीक है, ग्रुप में डालूंगा स्क्रीन शॉट। ठीक है चलो, तो ये अब तक हुआ था ना। चलो अब देखो, मैं फिलहाल इसको पहला बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ ये लिखो फटाफट। सेम सेटअप है, इसमें भी वही लगेगा, बस ये एकदम पूरा इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पूरा इंडक्टिव। इसको बोलते हैं ब्रेन एक्सरसाइज। ये पहला सवाल है। ये नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। NO2 नाइट्रो, ठीक है, बट हम
मतलब इधर लिखना चाहते हैं, इससे नाइट्राइड भी कर सकते हो, मतलब ये नाइट्रो ग्रुप है। अब किताब में देख लिया कि नाइट्रो ग्रुप प्लस आई है कि माइनस, ये आपका काम है। किसका? मेरा काम। मेरा काम बस बता देना कि कहां पे क्या है। ये साइनाइड है क्या है? साइनाइड। अब इसका पावर जाके अब देखो, क्योंकि वो सीट से कि कौन सबसे अधिक माइनस आई लगाएगा, ये पॉजिटिव वाला सबसे अधिक लगाएगा। साइनाइड तो पॉजिटिव है ज्यादा, सबसे अधिक ये पॉजिटिव है ना, ये हाँ। ये लगाएगा, उसके बाद नाइट्रो लगाएगा, नाइट्रो। उसके बाद साइनाइड। ये अपना देख लो कि सीरीज में देखो भी लिखा भी है कि सबसे अधिक कौन लगाएगा भाई, पॉजिटिव वाला देख लो। नहीं यस सर, बोलो भाई। उसके बाद नाइट्रो आएगा, उससे कम सीएन आएगा ना। मैंने इसको चेंज कर दिया सिर्फ, क्या किया? यस साइनाइड इज साइनाइड। अरे वही साइनाइड ही है यार, यही है वहां पे। जैसे यहाँ पे मैंने इधर नाइट्रोजन लिखा है ना, तो ये कार्बन से इधर ना जुड़ा है सीएन। अरे भाई वही है। जैसे अगर मान लो जब इधर लिखते हैं तो इधर ऐसे जोड़ते ना सीएन। हाँ सर, इसको उल्टा जोड़ दिए बस, समझ में उधर लगा दिए है। है वही, ठीक है। ये सवाल बहुत सटी, अच्छे अच्छे सवाल है भाई इसको, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लोगे पूरा, आपका समस्या दूर हो जाएगा। और इसमें से आपका सवाल भी मिल जाएगा किसी किसी बुक में, अगर आप देखोगे सीधे एग्जाम में बुक में नाम लिया करो। तो भाई आप लोग आ गए हैं सभी लोग, तीनों लोग आ गए हैं। सत्यम जी, अरे आशीष आ गए हैं। ठीक, गुड मॉर्निंग। ये देखो ये बेंजीन है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? बेंजीन। नोट करो, नोट करो सर। ऐसे बेंजीन लिखा जाता है? मैंने बोल दिया ना पहले, ऐसे भी लिखा जाता है, बस इतना ही नोट कर लो आप। ठीक है, नोट कर लो। ये ध्यान से नोट करना, ठीक है। जब अच्छे से नोट करना आप इसको। नोट कर लो आप।